हाय गाइस, तो क्या चल रहा है आजकल, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो रिव्यू वीडियो है अबाउट हाइलाइटर, सो मेरे पास आई थिंक ये इकलौता हाइलाइटर ही है। और तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। सो हाय गाइस, दिस इज प्रियंका, और आज मैं आपके लिए एक हाइलाइटर का रिव्यू लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, ये जो है फ्रॉम द ब्रांड मेकअप रिवॉल्यूशन। एंड सी इट्स पैकेजिंग इतनी प्यारी है कि मन ही नहीं करता कि हम इसे यूज करें। तो जो इसकी आउटर पैकेजिंग है वो प्लास्टिक की कैप है ट्रांसपेरेंट, और जो नीचे का पार्ट है वो गोल्डन कलर का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही क्लासी है इसकी पैकेजिंग, जिसमें ऊपर ही लिखा हुआ है रिवॉल्यूशन मेकअप रिवॉल्यूशन लंदन स्किन किस, और इसमें जो मेरा शेड है वो गोल्डन किस है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये बहुत सारे शेड्स में अवेलेबल है, एक तो शायद है आईसी किस एंड एक है पीच किस, और भी बहुत सारे हैं जो कि मुझे नहीं पता, बट जिसमें से मेरे पास गोल्डन किस है। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर इंटेंस स्किन लविंग हाइलाइटर। सो नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन है, जिसमें मुझे प्रोपिल पैराबिन एंड मिथाइल पैराबिन भी दिख रहा है, यानी इट्स कंटेन पैराबिन। नेक्स्ट इसकी और कुछ बातें करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सपायरी डेट लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, हम इसे 3 इयर्स तक यूज़ कर सकते हैं, और नेट वेट इसका 14 ग्राम है। और नेक्स्ट बात करूँ इसकी रिटेल प्राइस की तो 850 रुपीज़ है, और ये मैका पे इस टाइम तो सेल भी चल रही है, आई होप जब तक ये वीडियो चला जाए, ये वहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ पे है, यानी यह आपको हाईलाइटर 425 रुपीज़ का ईजिली मिल जाएगा। सो ओपन होने पर इसका पैटर्न देखिए कितना प्यारा लगता है, एंड काफी बड़ा टब है ये, आप देख सकते हैं ये एक हाथ से भी काफी ज्यादा बड़ा है। और अगर मैं इसे डेली भी यूज करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक साल में भी खत्म हो पाएगा। सो नाउ सी इट्स पिगमेंटेशन एंड शेड, बहुत ही प्यारा शेड है और पिगमेंटेशन सी कितना प्यारा है, और हाईली पिगमेंटेड ये प्रोडक्ट है, और बिल्कुल भी चंकी या ग्लिटरी नहीं लगता, इजीली ब्लेंड हो जाता है ये, और पिगमेंटेशन वन स्वाइप में ये है। सो फॉर्मुला इज नाइस, और ये इस फेस पे लगने के बाद बहुत ही नेचुरल लुक देता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बट जब हम इसे लगाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बॉदर नहीं करती। और ये जो कलर है ना, ये ऑल स्किन टाइप को, ऑल स्किन टोन को सूट करता है, चाहे फेयर टू डस्की हो। और मैं आपको इस साइड पे पिक्चर दिखा दूंगी, जितना भी कलर दिख रहा है ये इससे थोड़ा सा लाइट कलर में है। सो ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए आप, मैं बताती हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों ले और क्यों ना ले। तो क्यों ले, यानी फर्स्ट की बात करते हैं तो ब्रांडेड है, और सेकंड बात करें तो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है, थर्ड बात करें तो क्वांटिटी 14 ग्राम विच इज़ वेरी गुड, और फोर्थ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टोन इन इना, और फिफ्थ जो है ये ईजी ब्रांड हो जाता है, चौकी नहीं लगता बिल्कुल भी, और नेचुरल लुक देता है। और अगर इसके कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला है कि नॉट ट्रेवल फ्रेंडली, जी हाँ, क्योंकि अगर ये एक बार गिर गया तो आई थिंक ये जो ऊपर का प्लास्टिक का कंटेनर है ये टूट जाएगा और प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। सेकंड थिंग, काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है तो ये ज़्यादा स्पेस लेती है। थर्ड इसकी बात करूँ तो मेड इन PRC, जी हाँ, ये PRC का बना हुआ है, यानी ये चाइना प्रोडक्ट है। फोर्थ बात करूँ तो इसमें पैराबिन है, 2 पैराबिन के नेम्स मेंशन है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। एंड फिफ्थ बात करूँ तो ये ओवर प्राइज है, और ठीक है सेल में भी आपको 50% ऑफ पे मिलता है, फिर भी 425 के अकॉर्डिंग हमें और भी अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं हाइलाइटर। और बस यही था मेरा फाइनल वर्ड्स अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।